सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि उत्तराखंड में आपदाओं का सामना करने के लिए सरकार ने समुचित व्यवस्था आज तक भी नहीं की है, जबकि जून 2013 में केदारनाथ आपदा के दौरान लगभग 20,000 लोगों ने अपने जान गंवाई, जबकि सरकारी आंकड़ों में यह संख्या मात्र 5,000 थी। इस त्रासदी का मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था। मैं जून 15 से 17 तक 2013 में अपने गांव सिमलता भरदार पट्टी भरदार ब्लॉक जखोली जिला रुद्रप्रयाग में अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में पता करने गया था। उस दौरान मैंने देखा कि प्रकृति की यह सबसे बड़ी आपदा जो मेरे जीवन काल में देखी गई वो न केवल एक भयभीत नज़ारा था, बल्कि हमारी व्यवस्था का एक सबसे बड़ी कमियों का और सरकार की नाकामी का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी था। मैं 18 तारीख को उत्तराखंड से निकल गया था। उसी दिन मैंने लगभग 35 किलोमीटर पैदल यात्रा की और कोटद्वार होते हुए वापस नोएडा अपने गंतव्य के लिए 19 जून को पहुंचा। उसके बाद मैं लगातार गांव में और केदारनाथ के आसपास के इलाके के बारे में पता करता रहा। मुझे प्रत्यक्षदर्शियों ने यही बताया कि 22 जून तक केदारनाथ में किसी भी प्रकार की कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं गई, केवल हवाई भ्रमण होते रहे और हेलीकॉप्टर से मंत्री और सरकारी उच्च अधिकारी जाते रहे, लेकिन जहाँ तक लोगों को जो पीड़ित लोग थे उनकी सहायता की बात की जाए तो वो कहीं आसपास नहीं पहुँची। 25 जून 2013 के बाद सरकार ने कुछ हेलीकॉप्टर से सामग्री वितरित की, लेकिन वो भी उस जगह नहीं पहुंच पाए जहां अधिकतर लोग पीड़ित थे। ये सामग्री नीचे के इलाके में पहुंची जहां ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ऊपरी इलाके में शायद मौसम ख़राब होने की वजह से या वहां पर समुचित व्यवस्था न होने की वजह से सही लोगों को सहायता नहीं पहुंच पाई। साथ ही यह भी देखा गया कि वहाँ पर सहायता के लिए न तो आवश्यक हेलीपैड थे ना नज़दीक कोई ऐसा केंद्र था जहाँ से कि हेलीकॉप्टर्स को प्रॉपरली भेजा जा सके। ज़्यादातर हेलीकॉप्टर मंत्री और उच्च अधिकारी देहरादून से ऑपरेट कर रहे थे और वो वहाँ ऊपर से यात्रा करते हुए चले जाते थे। कुछ हेलीकॉप्टर से भोजन सामग्री और अन्य सामग्री गिराई जाती थी, लेकिन वो पीड़ित लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी।
साथ ही यह भी देखा गया कि आपदा के लिए बनी हुई टीम असली पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंच पाई। कारण ये भी हो सकता है कि यह इतनी भयावह स्थिति थी कि लोगों का वहां पहुंचना बड़ा दुर्लभ था, लेकिन उस आपदा की टीम में यदि वहां के लोकल लोगों को शामिल किया जाता या पहाड़ पे जो आपदा की मदद कर सकते हैं उस टाइप की टीम पहले से वहाँ पे उपलब्ध होती या सरकार तुरंत उपलब्ध कराती तो मरने वालों की संख्या कुछ कम हो सकती थी। वहाँ पर यह भी देखा गया कि कांग्रेस सरकार ने स्थिति का सही आकलन नहीं किया और जो सहायता केंद्र सरकार से या अन्य राज्यों से प्राप्त कर सकते थे वो सही स्थिति का जायज़ा लोगों को नहीं पहुंचाया जाने की वजह से नहीं पहुंच पाई। अन्यथा सीमावर्ती राज्य हिमाचल या अन्य राज्यों से भी सहायता आसानी से जल्दी से पहुंच सकती थी। इस आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कई योजनाएं बनाई, कहा कि हम हेलीपैड बनाएंगे, हम आपदा केंद्र बनाएंगे, लेकिन उस घटना के आज लगभग 7 साल बाद भी केवल केदारनाथ के लिए यात्रा का मार्ग बन पाया या दूसरी तरफ सरकार ने काफ़ी ज़ोरों से चार धाम यात्रा के लिए सड़कों का जाल को थोड़ा सा अपने तरफ से अच्छा बनाने की कोशिश चल रही है। हालांकि यह योजना 2020 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि अभी 1-2 सालों में ये पूर्ण होने हो सकेगी। इस योजना के पूर्ण होने के बाद भी यह कोई गारंटी नहीं है कि इस प्रकार की आपदाओं के लिए सरकार की तरफ से समय पर सहायता पहुंच पाएगी। मेरा सरकार से ये सजेशन है, ये सुझाव है कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है चाइना बॉर्डर और नेपाल के बॉर्डर के पास होने की वजह से। इसकी स्थिति सेना के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और इस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को यहाँ पे न केवल सड़कों का जाल बिछाना पड़ेगा बल्कि रेलवे का जाल भी सही रूप से योजनाबद्ध ढंग से जल्दी बिछाना पड़ेगा। जैसे कि अभी एक ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन बिछाई जा रही है जिसका काम 2024 तक पूर्ण होने की संभावना है। यद्यपि काम इस रेलवे लाइन पे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, शायद ये समय सीमा के अंदर पूर्ण भी हो जाएगी, लेकिन एक लाइन काफ़ी नहीं है। यदि उत्तराखंड को एक महत्वपूर्ण सेना का केंद्र बनाना है तो कम से कम 3
जगह से रेलवे से जोड़ना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, रामनगर से मोहान होते हुए, विकासैन होते हुए, चौखटिया होते हुए उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण तक रेलवे लाइन बिछनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण लिंक होगा जो उत्तराखंड की राजधानी तक पहुंचने के लिए सभी जगह से काफ़ी सुविधाजनक होगा। यह लिंक कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, जो कि दोनों तरफ के लोगों को राजधानी तक पहुंचने के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। एक तीसरी लाइन टनकपुर से चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ तक एवं झूलाघाट तक लिंक करनी चाहिए, क्योंकि हाल के वर्षों में नेपाल ने चाइना के साथ अपनी दोस्ती काफ़ी अच्छी बढ़ा दी है और नेपाल के बॉर्डर तक चाइना रेलवे लाइन बिछा चुका है। वह दिन दूर नहीं होगा जब नेपाल की राजधानी काठमांडू तक चाइना की ओर से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और चीन हमारे बिल्कुल नज़दीक होगा। इस स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को भी तुरंत इन दो रेलवे लाइन के बारे में शीघ्र निर्णय लेकर के काम शुरू करवा लेना चाहिए। इन दो रेलवे लाइन के बनने के बाद उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण, जो अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, उसे अस्थाई राजधानी बनाने में काफ़ी सुविधा होगी और किसी भी प्रकार का लोगों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में कर्णप्रयाग वाली रेलवे लाइन को भी गैरसैंण तक लिंक किया जा सकता है। उसके लिंक होने के बाद देहरादून में बैठे हुए नेता और सरकारी उच्च अधिकारियों को यह कोई बहाना नहीं होगा कि गैरसैंण में सुविधा न होने की वजह से स्थायी राजधानी बनाना संभव नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी जब तक अस्थाई राजधानी पहाड़ के अंदर गैरसैंण में नहीं होगी, तब तक उत्तराखंड से पलायन लगातार चलता रहेगा। आपदाओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा और आपदा आने के बाद सही समय पर सही सुविधा पहुंच पाए वो भी संभव नहीं होगा। देहरादून से पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों को नियंत्रण करना एक न केवल अनुचित निर्णय है, बल्कि उत्तराखंड राज्य की गठन के जो मूल कारण था, मूल उद्देश्य था, उससे भी भटकने वाली बात है। अतः आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि गैरसैंण को अस्थाई राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहें। जहां भी कोई किसी भी समय कहीं कोई मूवमेंट चल रहा है उसमें सहभागी बने और भविष्य में होने वाली कोई आपदा और उसका सामना करने के लिए हम तत्पर रहें। धन्यवाद।